आदरणीय सभापति महोदय, पिछले साल सितंबर में इस गरिमामयी सदन के समक्ष मैंने एक विस्तृत वक्तव्य ईस्टर्न लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई डेवलपमेंट्स के बारे में दिया था। मैंने यह बताया था कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा येलेसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। आज मैं इस सदन को कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सभापति महोदय, पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट तथा यथा स्थिति हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। मैं संक्षेप में वहां की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूं। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, परंतु येलेसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे एनएसए श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। सभापति महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं
कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि तीन सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा यलेशी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय, इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व से पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी
यलेची पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इस विषम एवं भीषण परिस्थिति की भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य और वीरता के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा करे। और सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिस इंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। सभापति महोदय, मैं इस बात से भी पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि यह पूरा सदन, चाहे कोई किसी भी दल का क्यों न हो, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा है और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व को जाएगा। सभापति महोदय, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू डिफेंस मिनिस्टर। We will be going to discuss budget. Mr. Subhash Chandra Bose was on speaking, and now we will continue. And it has been decided today in the BAC meeting that this is an issue of national unity and integrity and security and safety of the country. That does not have any this thing. So please. No. Okay. Thank you. Thank you. Please. Right now, that is your thing. But please, no. This is a matter of national unity, safety, and security. Discussions are going on. Please, Sri. Today morning, it was decided that please sit down. Let us not send wrong signals. Let us not send wrong signals. The entire house should be seen. Speaking in one voice, and then please. Right. Okay. Right. What? Would you please? Please sit down. This is not the way. There were precedents earlier. In the matters of national unity and safety and security of the country, when the discussions are going on the last 48 hours and now also by tomorrow, and then discussions with Chinese. And we want to create controversies. This is not good. It's not in the interest of the country. Please sit down. Sri Subhash Chandra Bose, on morning, as I told you, it was decided. Please. It was decided that we will be continuing the budget decision, discussion, and then we will continue it today up to 3 o'clock also. And then it will continue tomorrow, and it will be concluded and replied tomorrow. Sri Subhash Chandra Bose. Yes, sir. Please, thank you, sir. Please, Kripaya Desh ke Hit mein aap log baith jaye. Please. Thank you, sir. Nothing, sir. Go on record other than what is permitted. Sir. Please. Yeah. Sir. Right. This sort of scenes will not be appreciated by the people. Please. I told you. This is... What happened to your Yes. Right. That whatever needs to be shared with the country and the house, the minister, after discussion, has made a statement. Now the suggestion is again to have a in-camera meeting. We'll get it examined. Please sit down. I will keep that in mind. This decision that has come now also, I will keep it in mind. The minister is in touch with me. He met me also in between. He explained to me
the situation there, and then it was decided we will wait for some time. I have conveyed it to certain leaders also. Then today, the minister wanted to take the house into confidence. He has made a statement. Let us not create controversies and unnecessarily send wrong signal to the country.